वेलकम बैक गाइस टू द अनदर एपिसोड ऑफ एआरके सर्वाइवल इवोल्व मोबाइल एडिशन। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा नया डंजन आ चुका है और उसका नाम कुछ ज्यादा ही गलत है, द ड्रीम ऑफ डॉग बॉग ऑफ डिस्पेयर। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कैसा कैसा नाम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने नाम से कुछ नहीं करना है, अपने को करना है डंजन से मतलब है एंड उसकी लूट से। तो आज के एपिसोड में हम वही करने वाले हैं। तो मैं आ चुका हूँ रेड ऑब्लिक से, सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है और मैं ग्रिफिन के साथ में आ चुका हूँ रेड ऑब्लिक। चलते हैं देखते हैं डंजन का कौन सी लूट है और क्या डिफिकल्टी है डंजन की और कैसे जाने वाली है। मोस्ट ऑफ बंदे बोल रहे भाई हार्ड है जिसको समझना मत, तो फटाफट एक्सेस करते हैं भाई साहब, देखते हैं इसका लूट क्या है। लूट कुछ ज़्यादा अच्छी मेरे को नहीं दिख रही सिवाय कि मेरे को चाहिए टेक स्कूबा टैंक और जो भी वो चाहिए मेरे को, वो मेरे को है ही नहीं मेरे पास वो, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो हम आ चुके हैं इस फटाफट डंजन। ओ आ भी गए, माँ की आँख भाई इतना जल्दी लोड, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट चलते हैं सामने की तरफ, एक रूम है, वो है किसका वो रूम में आपको पता, फटाफट बताओ। ये रूम है थेरी जिनो का, शायद से थेरी जिनो का रूम है। इसमें आपको चीज़ चाहिए होंगी और शॉर्ट गन कंपाउंड वो आप यूज़ कर सकते हो, आर्मर आपके पास बहुत चाहिए और हीलिंग भी चाहिए, नहीं तो आप पिट जाओगे, मतलब खत्म करियर, खत्म ओवर फिनिश, खत्म हो गया करियर गया वैसा होने वाला। आर्मर नहीं होगा तो बस आर्मर इसमें चाहिए होगा और बस शॉटगन से भी मार सकते हो, नहीं कंपाउंड बो से भी मार सकते हो, हाई डैमेज का होगा लो डैमेज का कंपाउंड बो होगा तो यार मत मारना, शॉटगन से ही मारो। मेरी तो यही सलाह है कि कंपाउंड बो से मत ही मारो इसको, शॉटगन से ही पहले और इससे दूर रहो, जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि ये भाई साहब आर्मर फाड़ देते कतई गंदे वाले आर्मर फाड़ते। कोई नहीं फटाफट से इसको फटा के मारते भाई, एक भी नहीं मर रहा है भाई अब तक यार, मतलब 1-1 के हेल्थ पड़ी है इनकी यार, मतलब कतई मार ली इन्होंने मेरी यार। मैंने तो फोकल चिली खा भी लिए तो भी मतलब मैं तेज बंदा दौड़ नहीं रहा यार, मतलब क्या ही करे अभी, कोई दिक्कत फटाफट नहीं। एंड यहाँ पे गाइस आपको हीलिंग ब्रूज भी लेके आनी है यार मैं, ओके एक अभी तक अभी जाके एक मरा है, मतलब देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इसको एक को मारने के लिए, लेकिन कोई नहीं हम मार देंगे धीरे धीरे करके सबको मार देंगे। अभी भाई साहब ये बहुत दूर है, पेलो भाई इधर से ही रुक जाओ, थोड़ा क्लोज आने दो क्योंकि दूर का शॉटगन के एमो कनेक्ट होती नहीं है। ओके भाई फाइनली एक वेव तो कम्प्लीट हो चुकी है, ऐसी चार वेव है तो आप समझ सकते हो कितना रश मारना है, मतलब पहली रूम ज़्यादा टफ दे दी है, उस साइड जाओगे तो उस साइड दूसरी कोई रूम आएगी लेकिन उसके लिए फैसिलिटी की लगने वाली अपने को, उस रूम के लिए नहीं आगे जाके। तो इसलिए मैं ये रूम पहले कर रहा हूँ, नहीं तो वो रूम मैं पहले कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब इनको भी कर ही लेंगे फटाफट। क्या करते हैं इनको पेल देते हैं, भाई साहब कितने ज़्यादा है भाई ये, और भाई साहब इतने ज़्यादा मतलब पेल देना आर्मर को, आप दिखा नहीं पा रहे हो लेकिन मेरे को पता यार आर्मर बहुत गंदा तोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से इनको पेलते हैं एंड भाई साहब मतलब मजे करते हैं। एंड गाइस इस मतलब डंजन के अंदर यार जो टेक मोसासोर का सैडल है, तो मैं सोच रहा हूँ एक मोसासोर को टीम कर ही लूँ, और पर मोसासोर को मेरे को लोकेशन नहीं पता है कहाँ मिलता है वो, तो मैं एक काम करूँगा मैं देखूँगा कि मोसासोर कहाँ मिलता है, मैं उसको ढूंढूंगा, आई थिंक डीप सी में मिलता है। एंड गाइस मोसासोर की एक और एबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं डिसएडवांटेज होती है कि वो यार मतलब जो समुंदर होता है मतलब सी होता है उसे हाफ लिमिट हाई तक ही आ सकता है, मतलब हाइट जो होती है ना वहाँ तक ही आ सकता है, ऐसा मेरे को लगता है कि है ही वो नहीं आ पाता। मैं ट्राई भी किया है, मैं इसी से उसको मार रहा था ऊपर से लेकिन ऊपर आ नहीं रहा था, अल्फा मोसा की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे से वो अल्फा मोसा में ही होता है कि मोसासोर में भी होता है आइए कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। अभी फटाफट से दो तीन और इसकी वेव बची है, आई थिंक दो वेव बची, ये लोग भाई मरने का खतरे नाम नहीं दे रहे ये लोग, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा कब का मारा उनको, मर ही नहीं रहे इतना देर, कौन कब लकी वो लगता है भाई किसको लगता है इतना देर। ओके आई गेस की लास्ट वेव बची हुई वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी। ओके एंड आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई साहब वाटर एडवेंचर कब का तुम शुरू करने वाले हो, उसका नामो निशान ही नहीं, भाई भाई रुको जरा जरा सब्र करो, देखो मैं भी वाटर एडवेंचर चालू कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बस दिक्कत इसमें है कि भाई साहब वो मतलब थोड़ा टफ है, मतलब यार मतलब टफ मतलब ए भाई इससे कुछ तोड़ दिया मेरा, अरे भाई एक मिनट का इसको थोड़ा सा साइड में रखते फिलहाल के लिए, भाई इसने मेरे कुछ तोड़ दिया है, फटाफट पहले डंजन पे फोकस करते हैं बाद में बाकी की बातें करेंगे, नहीं तो भाई पेल देगा ये मेरे को, मतलब कहता है पेल पुल देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए। भाई 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 तू पहले मर जा भाई, तुम मर जा भाई, इसने मेरा तोड़ दिया कुछ तो कुछ तोड़ दिया, मेरे को लग रहा है मेरा आर्मर कतई मतलब डेड हो चुका है पूरा, मतलब पूरा टूट चुका है ऐसा मेरे को लग रहा है, कैसे क्यों मेरी फटी पड़ी है, इसलिए मैं इनके क्लोज कॉम्बैट में नहीं लूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ क्लोज कॉम्बैट कर लिया इन लोगों से, इसीलिए मैं नहीं करूँगा। एंड भाई मर जा भाई, ओ भाई साहब मैं एकदम बचाऊँ, और भाई भाग ले भाई रुको मत, मेरा बंदा जो बहुत रुकता है, मैंने एक जगह पर रुकने की उसको बहुत सारी आदत है, भाई भाई मत रुका कर पिट जाएगा, सच बोल रहा हूँ कि जिन मर जाएगा भाई, मेरे ग्लव्स ही तोड़ दिए भाई अभी तक, अभी दिख रहे मेरे को ग्लव्स ही टूटे मेरे, वाओ मतलब इन लोगों ने मेरे ग्लव्स की वाट लगा दी सच में। एंड ओके कहाँ है भाई ये, ओके ये रहा एक गया अभी लास्ट है। ओके इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप। ओ भाई साहब
गाइस इसको मैं इम्प्लांट लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे को एथेरिस जोन चाहिए, तो अपने पास क्या होगा फाइबर कलेक्टर एक और आ जाएगा, मतलब कतई खतरनाक वाला। एंड चलते गाइस बराबर से इसका भी इम्प्लांट ले लेते हैं। एंड इसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। आई थिंक नेक्स्ट रूम होने वाली है आई डोंट नो किसकी होने वाली है, लेकिन इन लोगों ने मेरे को बहुत परेशान किया, मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरा आर्मर बूमर तोड़ दिया भाई साहब, मतलब ये कतई खतरनाक है। मैं आर्मर आपको दिखाता हूँ मैं भाई साहब आर्मर का। ओ भाई साहब दो चीज़ सोली, ओ भाई करियर ही खत्म गाइस, खत्म और फिनिश। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट रूम है आई गेस किसके मुझे नहीं पता। ओके ओ टाइटन ऑफ बुआ, ओके टाइटन ऑफ बुआ की ये रूम है, ओ माय गॉड। एंड गाइस जिसको भी डंजन का मैप चाहिए होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा मैं डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो एंड वहाँ पे मैप मिलते रहेंगे आपको, और काफी सारे अपडेट में देते रहते हो वहाँ पे कभी कभी। यार मतलब बोर सा हो गया वहाँ पे भी मैं एक। ओके एक काम करते हैं फटाफट से, अपन ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि वहाँ पे होने वाला है तगड़ा सा गिव अवे। यार कब का हो रहा है लेकिन पता है गाइस एक आ रही, एक बस एक दिक्कत रह रही गाइस, हम फाइव के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो एंड फाइव के कंप्लीट कर देते हो तो गिव अवे यू चुटकी में हो जाएगा गिव अवे, तो सब्सक्राइब जरूर कर जाए चैनल को। एंड मैं इनको सांपों को मार तो फिर गया सीधा स्वॉर्ड से, मतलब डर है ही नहीं मेरे को, मैं नॉक हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है ये लोग नल्ले हैं, इनकी हेल्थ भी देखो कितनी सी है, मतलब इसलिए इजी पीजी स्वॉर्ड से मार देंगे इनको, बस स्टिमुलेंट लेके जाना। एंड भाई साहब को पिट जाओगे आप, सच सच्ची बता रहा स्टिमुलेंट नहीं होगी ना 101% यू आर आर आई पी, मतलब होने वाले होंगे हो ही जाओगे, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, इसको मार देते भाई कितने। और ओके फाइनली रूम हो चुकी क्लियर, अभी चलते सीधा नेक्स्ट रूम की तरफ। और नेक्स्ट रूम आई डोंट नो किसकी होने वाली, मैं मुझे सच में नहीं पता भाई, मैं मैप आई गेस ये किसकी रूम है मुझे नहीं पता, लेकिन यार मैं आपको जो भी बेस्ट लगता हो नीचे के मैं दे रखा हूँ मेरे को इस रूम में आपको क्या चाहिए होगा। एंड मैं बता भी दूंगा वीडियो में कि ये रूम किसका होगा, यार मैं सच बता रहा हूँ ये बिना मैप के कर रहा हूँ लीजिए, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कैम्स भाई की वीडियो देखी है, उससे पता है कहाँ जाना है। लेकिन भाई साहब ये देखो, और ये रूम है रैप्टर्स एंड कार्नो, मेरे को कार्नो सबसे पहले मारना है भाई। कार्नो तू आ जा भाई, तेरे को मैं पहले पहलेगा, और इसकी हेल्थ कितनी देखती है भाई, ज़्यादा कुछ इतनी हेल्थ है नहीं तो इजी पीजी फेल देंगे, मतलब कारनो मतलब क्या कर देंगे। अच्छा ये आर्मर नो आर्मर नहीं है, अगर ये रूम नो आर्मर होती तो भाई करियर फिनिश खत्म। लेकिन कारनो अपना भाई मरने वाला है, इससे ज़्यादा हेल्थ नहीं बची है एंड भाई साहब मर जा भाई। ओके फाइनली कारनो हो चुका है डाउन एंड रैप्टर शूटर बचे जो कि एकदम बेकार से थर्ड क्लास। एंड रूम क्लियर, इजी पीजी हो गया रूम क्लियर, अभी चलते सीधा नेक्स्ट रूम की तरफ। ओके तो ये नेक्स्ट रूम में होने में यहाँ पे मेरे को एक क्रेट है, अभी आई गेस यही क्रेट है जो कि फैसिलिटी की अपने को देने वाली है भाई, जल्दी फैसिलिटी की दे दे मेरे को। ओके फैसिलिटी की फाइनली मिल चुकी है एंड भाई साहब अभी अभी चलते इसकी डायरेक्टली, पता नहीं कहाँ चलना है लेकिन चलते काफ़ी भी जल्दी, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है वॉल ट्रैप जो कि वन टैप वाला है, तो आपको अगर सोलो में कर रहे हो तो वन टैप वाला वॉल ट्रैप से डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार टैप होगा उसके बाद बहुत टाइम रहता है वो दूसरा टैप होने में, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी नहीं हो रहा है भाई, हो जा भाई कब होएगा यार मेरे भाई, आगे बढ़ ले कभी जिंदगी में यार, मतलब इतना टाइम टाइम पास। ओके फाइनली भाई ने हो गया, कोई नहीं यहाँ पे आ जाएंगे क्रेट है उसको भी लूट लेंगे, ये वाली नहीं इसके नीचे वाली, और यहाँ पे लगाए थे मेरे को कुछ ट्रैप होंगे क्योंकि प्रीमियम क्रेट, अरे भाई साहब प्रीमियम क्रेट वो ऐसी फुकट में तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ट्रैप तो रख लेंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं इसलिए ये नल्ले ट्रैप रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसको फटाफट से कम्प्लीट कर लेते हैं हम, और कर ही लिया है। और आपको आई थिंक यहाँ, ओ भाई साहब अभी मैं मैप देख रहा हूँ बिकॉज मैं भूल चुका था कर वो जाना का है, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था। और टैपे चल तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब, मतलब तू कहता है इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है क्या। ओके देखते क्या मिलता है अपने को, टर्न डाउन का स्टैचू, इसके लिए मैंने नहीं किया था ये क्या है ये। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड ये रूम है किसका, ये रूम है यार मतलब पैची राइनो एंड ट्राइक का, तो इसमें स्वॉर्ड ही यूज करो यार, मतलब आर्मर होना चाहिए इसमें, रूम की कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो आपके पास मेन होता है आर्मर, आपके पास आर्मर नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओके सबसे पहले वो पैची को मारना पड़ेगा एंड पैची को ना भी डाय, पैची मर भी गया, ओ भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ आ रही यहाँ से भाई साहब, मतलब खत्म 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 इतना भाई मचा के रख दिए। एक सेकंड, ये मेरा एरिया हमारे, मतलब आपको मत सिखा चल भाई, इतनी जल्दी रूम क्लियर भी हो गई मैं गाइस, ये यकीन नहीं हो रहा यार मेरे को भाई, 10 सेकंड के अंदर ही मैंने ये रूम को क्लियर कर दिया। कोई नहीं यहाँ पे क्रेट है उसको भी लूट लेते भाई, ये रूम थे कि मजाक था यार, मतलब कहते मतलब खुश सा होगा दिल, मतलब ये रूम इतनी एकदम स्पीड रन हो गई, मतलब स्पीड रन नहीं कितनी तेजी। लेकिन अरे
अरे यार मैं तो यहाँ पे लूटने के लिए आया था यार, मतलब पानी लेने के लिए आया था, लूटने के लिए नहीं। मेरे को ये चीज जिगर में बोला, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी लीच है, मतलब यार कती अलग से नशे की हो रखी है, मतलब भाई कितनी बड़ी है यार, मजाक है कि क्या है ये भाई साहब। मैं एक पल के लिए मैं डर गया, मैं बोला इतना बड़ा जानवर कौन आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्रेट है, ये क्रेट होने वाली है किसका, आई थिंक प्रीमियम होने वाली है, लूटे देखते क्या मिलता है इसके अंदर से। एंड मेरे को मिला है कॉम्फी कॉलर, ओके नॉट बैड एट ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉम्फी को पहना दूंगा, लेकिन कॉम्फी को टेम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे उसको भी। गाइस गाइस गाइस, ये एक पहली रूम है जो नो आर्मर है, और यहाँ पे है कार्नो, कार्नो नो आर्मर, तो मैं फटाफट चेक करो मेरा आर्मर। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ आर्मर, और मैं यहाँ पे शील्ड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये आर्मर मतलब नो आर्मर रूम है, मतलब कुछ तो भाई तो होने वाली है रूम में, लेकिन दे चलो देखते क्या होने वाला है। अपन पी दे, ये रूम टोटली ऑप्शनल है, ठीक है भाई। ए भाई ए भाई ए भाई रुक जा, ओके ये एक तो पी दी गया, मतलब इसकी कोई इज्जत ही नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, ये रूम एकदम ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको एकदम से स्किप कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ करना ही, बस आपको एक प्रीमियम क्रेट छोड़नी पड़ेगी, मतलब छोड़ दो ना यार, मतलब अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास आर्मर वार्मर नहीं है ना ही कोई, मतलब आपको मतलब लगता नहीं कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात कहता हूँ आपको, इस रूम को छोड़ दो, क्योंकि इस रूम को कंप्लीट करने से एक प्रीमियम क्रेट मिलती है, उससे कभी कभी जो बेकार की चीज़ें मिलती है उसके लिए जो आप ये रूम कर लेते हो तो दिल को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये रूम आप टोटली इग्नोर मार सकते हो, आप इग्नोर ही मारो इस रूम को, मैं तो कहूँगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ बस ये रूम, मैं बस जस्ट ट्राई कर रहा था, मैं कर मतलब कर लेता हूँ ना, कोई दिक्कत की बात है, मेरे को आराम से इजी पीजी कर देंगे, लेकिन मैं स्पीड दिखा रहा हूँ बिकॉज यार ये रूम टाइम पास है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं यार, कार्नो है खतरनाक, तो कार्नो बस आपको हीलिंग ब्रू चाहिए होगी, आपको भाग भाग के मारना है, और कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, ये एकदम इजी पीजी रूम है। मैं अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई क्या इजी पीजी रूम है भाई, नो आर्मर है, कतई कुछ तो इज्जत रख ले, लेकिन क्या है ना, देखो आप भाग भाग के मारोगे, अच्छे शॉट कनेक्ट करोगे, तो देखो यार ये रूम सिंपल है, मैं बोलता हूँ मेरे ये रूम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको दौड़ना है एंड बस आपको शॉट अच्छे से कनेक्ट करना, आपको ज़्यादा रुकना नहीं है, आप ज़्यादा रुके एंड बस तो फिर आपका काम हो गया, बस वो आपको अच्छे से एकदम मस्त मार देंगे। जो एक याद करो, जो सबसे पहले डंजन आई थी, पता याद करो, जो स्नो में नो आर्मर थे, उसमें एक रूम मतलब ग्लिच होता, ग्लिच नहीं बग था, बग भी नहीं कुछ तो था, कार्नो उसमें बहुत स्पीड थे, उसके कारण वो रूम एक इम्पॉसिबल से हो गई थी, लेकिन ये वैसी रूम नहीं है, ये कार्नो थोड़ा स्लो है, आप इजी पीजी मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो चलो यार फटाफट मारते हैं इनको, अभी इनकी आई थिंक लास्ट एक वेव बची हुई है, शायद से लास्ट वेव बची हुई है, फटाफट इनको अभी मार देते, क्योंकि मेरे को शौक नहीं इनसे मरने का, अगर मैं यार इसके बाद आए और एक आध दो रूम बच रही है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इनको भी मार लेते, आई थिंक लास्ट ही है भाई, भाई 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 पेल देंगे मेरे को, ये पेल देंगे मेरे को, ओ भाई साहब मर जा यार मर जाओ, ओ भाई साहब आप देख रहे हो एक शॉट और दो शिकार, मतलब एक तीर से दो शिकार कर दिए मैंने, मतलब कतई इजी पीजी। और यहाँ पे आगे जाने के बाद आपको एक क्रेट मिलेगी, वो इस क्रेट के लिए मैं बात कर रहा था, इस प्रीमियम क्रेट, इससे अपने को क्या मिला है, वाओ इससे क्या खतरनाक चीज मिली है आपके, मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, वाह जिसने देखा है मतलब देख ही लेगा। तो गाइस ये आ चुकी है रूम, आई डोंट नो ये रूम किसकी है, आई गेस ये होने वाली है वो ट्रोडोंस की, शायद से मेरे को लग रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा मैं किसकी रूम की बात कर रहा हूँ। ओके ये रूम बेल्जीबू, ओके 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 ये रूम बेल्जीबू है, वो भी फुल रेज मोड, मतलब कतई खतरनाक से रेज मोड में, भाई कितनी स्पीड में है भाई, ये भाई रुक जाए, हेलो भाई सब गाइस, कतई फुल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इनको भी हम फटाफट से मार लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन चलो फटाफट इनको मार देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ओके भाई भाई गूगल तू पागल है क्या, एक बात बता भाई तू पागल है क्या, एक मतलब मेरे को आई डोंट नो मेरे फोन का और गूगल का क्या सीन है, मैं कुछ भी बोलता हूँ मतलब गूगल एक्टिवेट हो जाता है, मेरे को बंद करना पड़ेगा ये चीज़ भाई, कतक कतक गेम के बीच में गूगल आ रहा है, कभी कभी स्ट्रीम के बीच में गूगल आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है भाई, मैं क्या जॉब छोड़ दो अभी इसमें, ओ भाई बाजू में स्पॉन लिया बंदे ने, ओ भाई 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 एक सेकंड चिल मार भाई, चिल मार भाई चिल मार, ओके तो आगे से ये लास्ट है और नहीं चिल रूम क्लियर हो चुकी है, हैव अ नाइस डे ब्रो, बेल्जिफू को बोल रहा हूँ आपको नहीं, आप ये वीडियो देखते रहना कंटिन्यू। ओके तो गाइस आ चुके लास्ट रूम की तरफ, और ये होने वाली है ट्रोडोन की नो आर्मर, अब तक की सबसे टफेस्ट रूम है इस डंजन के अंदर, तो आपको मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा, लो में खेलना ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास एक शील्ड होनी चाहिए, बहुत सारे स्टिम्युलेंट
बहुत सारा हीलिंग ब्रूस है, आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हो, आप शॉर्ट गन भी यूज कर सकते हो, बट उसमें दिक्कत ये है कि कनेक्ट नहीं होगा। आपको फटाफट से शील्ड एक्टिवेट करना है, मतलब सामने की साइड ले लेना है, जब ये अटैक करेंगे तो आप पे आपको शील्ड रखना है, एंड आपको 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है, जब ये मारते नहीं तो आपको फटाफट इन लोगों को मार देना है। आप समझ गए होंगे, वीडियो देख के आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, बस शील्ड आगे करना है, जब तक ये आपको टॉर्पर देते तब तक आप बच जाओगे उसके हमले से। शिपर खाना भूल गया मैं, वाओ समझ रहे हो। ओके मेरा अटेम्प्ट 2 है, वही चीज करूंगा यार। मैं बोलते बोलते मैं स्टिमुलेंट खाना ही भूल गया, मतलब यार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिल मारो। ओके ओके चिल मारो, फटाफट आपको क्या करना है, शील आगे करनी है, एंड जैसे वो दो तीन सेकंड के लिए रुकते हैं, आपको फटाफट से क्या करना है, तलवार घुमानी है, जोर जोर से तलवार घुमानी है, मतलब कतई जोर जोर से घुमाए डालनी, जितने मर सके उतने मरे, मतलब मर जाए कमीने साले, जोर जोर से तलवार घुमाते नहीं, और फिर से शील्ड एक्टिवेट कर लेना। अगर आपको टॉवर पर चढ़ता है आपका, तो आप थोड़ा बहुत स्टिमुलेंट खा लेना, एंड आपकी हेल्थ डाउन जाए तो थोड़ा बहुत हीलिंग ब्रूज भी पी लेना, याद से पीना, ठीक है। आप हीलिंग ब्रूज ना पियो तो स्टिमुलेंट तो याद से करना, क्योंकि आप नॉक हो जाओगे तो दिक्कत ज़्यादा आए, तो वही दिक्कत है यार, मतलब दिक्कत ही ये बात में यही है, यही तो दिक्कत है इसमें, आप नॉक हो जाते हो। अगर मैं नॉक नहीं होता ना, इसको इतना पहलता ना, मैं इतना पहलता ना, बुरा पहलता, बहुत बुरा पहलता। तो कोई नहीं, आपको ऐसे कर करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे कर 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 करके कर करके ऐसे ही रूम करना है, मतलब समझ जाओ ऐसे ही करना है रूम यार, ये इसका कोई है ही नहीं, आप खुद ही देख लो यार, मेरे को घंटा एंगल नहीं दिख रहा, मतलब मेरे को खुद मेरी पीठ दिख रही है, मैं क्या ही करूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से रूम कर लेते हैं, आप रन भी कर सकते हो, भाग भाग के भी मार सकते हो, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इसी से मैं बोलूँगा आप शील्ड लेके आओ, इम्यून के करो, ट्रिब्यूट मारो, आपको फुकट की शील्ड मिल जाती है, पूरी बनाई हुई रियोट की असेंडेंट की शील्ड मिल जाती है। सोलो में इजी में नहीं मिल सकती, लेकिन मीडियम में ज़रूर मिल जाएगी। तो फटाफट इसको मार देते हैं, एंड ओके मारो मारो फटाफट मारो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से मारेंगे, आराम आराम से। ओके ये लास्ट बंदा बच रहा है भाई, तू मर जा। फाइनली ये रूम हो चुकी है, एंड इस रूम को करते करते मेरी फटके 4 नहीं 6 नहीं 10 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 1000 तक हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइनली हमने ये रूम कर लिए भाई साहब, मतलब कर लिए भाई। सेविंग तू यार बाकी था आने का, कोई दिक्कत नहीं, तू भी आ जा। अभी यहाँ पे एक फीचर क्रेट है, देखते अपने को क्या मिलता है इस फीचर क्रेट से। ओके आई थिंक यही है क्या वो फीचर क्रेट, ओके यही है। तो चलो गाइस फीचर क्रेट को लूटते और देखते अपने को क्या मिलता है भाई, प्लीज़ दिल से कह रहा हूँ अच्छा दे दे, मुझे पता था ये ऐसी घटिया चीज़ देगी जो हम सोलो प्लेयर्स जिंदगी में कभी नहीं बना पाते, क्यों? कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम आ चुके हैं बॉस टेलीपोर्टर के साथ में, मतलब पास में, एंड कुछ नहीं करेंगे, तैयारी मैंने सब कुछ कर ली है, एंड बॉस आपको पता होगा कुल बोजो मल्टीज, आपको फ्लिपर्स लेके आनी, नहीं तो फ्रॉग फीट की भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड आपको ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और कितने सारे बॉस में चढ़ा के रखे भाई साहब, कितने ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड बॉस ही मारना है आपको भाई, एज भाई कोई क्रॉस बोले के मत आइयो, पेल पिद जाओगे कहीं पे। चलो फटाफट मारते इस बॉस को भाई, आ जा भाई, तेरी देर थी, तू आ जा भाई, मतलब कर भाई, लग जा एक आध शॉट कनेक्ट हो जा भाई, मेरे को वेस्ट हो जाएंगे मेरे एरो सारे के सारे, आ जा भाई, आ जा भाई, भाई 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 एक लग जा। ओके फाइनली एक लग चुका है अपना, अब इसको इसके पास नहीं आना गाइस, आपको इसके पास जाओगे आप तो ये झटका देगी आपको, एंड अगर आपको झटका लगे और आप इसके ग्रुप में फंस गए, अब आपको बोलेंगे ये तो एक ही है, ये एक नहीं स्प्लिट होती जाएंगी ऐसी 10-25 स्प्लिट होंगी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी गिनी नहीं है, लेकिन 25-30 तो होती है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखो ये स्प्लिट होगी, इसको मेरे को मारने तो फटाफट भाई मर जा। ओके आई गेस ये स्प्लिट हो नहीं हुई, ओके अभी ये स्प्लिट हो गई है, आप देखो ये 2 हो चुकी, अभी ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी हुई कि मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत होती है भाई। ओके ये देखो और 2 स्प्लिट हो गई, मतलब ऐसे करते करते ये स्प्लिट होती जाती है ना, आपको मारना है, और जब जब सुनो सुनो सुनो, ओ शिट गाइस एक गलती हो गई, मेरे से एक गलती हो गई भाई साहब, मैंने खाना ही नहीं खाया, आप मेरे फूड बार को देखोगे तो वो कतई मतलब 0 हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि मैं पिदने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मेरे बंदे को भूख लगेगी उसको टॉर पर चढ़ेगा, टॉर पर चढ़ने के बाद मैं हो चुका बेहोश, अभी अपन हार्ड ट्राई करते इसको फटाफट करते, फटाफट इसको मार देते यार, मेरे को लग रहा है मैं पिदने वाला हूँ, पिदने मतलब यार, क्योंकि देखो यार मैंने कुछ खाना खाया नहीं है, और ये देखो कितने सारे भाई, अभी तो स्प्लिट होने बाकी आधे। ओके ओके फटाफट क्या करते, फटाफट सबको मारते, क्योंकि मैं यार मेरे बंदे को फूड कतई खत्म हो चुका, मतलब खत्म ही हो रखा है कतई पूरा,
कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट से ट्राई करते हैं फटाफट मारने का, भी स्टार्विंग हो तो रही है, मेरा टॉर पर थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। और इसको भी मारते थे, एंड आई गेस दो तीन ही बचे हुए, तो अभी मेरा बंदा नॉक ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता बंदा नॉक होगा। ओके ओके, फाइनली 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 फाइनली, एंड गाइस ये देख सकते हो ये आखिरी बचा। अरे भाई साहब, बोलो भाई साहब, झटका दे दिया वहाँ की आँख। ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको शॉट से पढ़ लेंगे अपन, दैट्स इट, इजी बीजी था बॉस को हराना, कोई दिक्कत। ओ भाई एलिमेंट में मिल चुके, कोई नहीं, हम मिलते सीधा डंजन के बाहर। गाइस हम आ जाएगा डंजन के बाहर, और मेरे को क्या क्या मिला आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो खाना खा लेता हूँ भाई, फूड ही नहीं है बस। मतलब मेरे को मिला है कुछ बग रिप्लेन, माइंड वाइप, ये सब चीज़ें मिली मेरे को, एलिमेंट मिले, ये स्टैचू वैचू मिला, एंड मेरे को ये ब्लैक पर्ल मिले यार। और ये देखो ये रेक्स का स्टैचू, अरे पता है ये लोग ब्लैक पर्ल दे रही है, अच्छी बात है। और एक और स्टैचू था मेरे पास जो है टर्न ऑन का, वो भी लगा था, रुको मैं कहाँ पे गया वो स्टैचू, ये रहा शायद से, ये रहा, तो ये स्टैचू मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस गाइज ये देखो, और कुछ मिला नहीं है मेरे को, और क्या ही मिला है मेरे को, और भाई कुछ नहीं मिला, बस कॉम्पी का कॉलर मिला ही है, और कुछ नहीं मिला, ये अगर टॉर पर थोड़ा सा डाउन कर देता है। तो गाइज आपको अगर ये एपिसोड पसंद आ चुका होगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे भाई लोग, फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अपने को 1K मेंबर्स करने के है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। एंड गाइज मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही कोई एपिसोड करेंगे, एंड गाइज तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे and bye bye.